हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक ऐसी स्कीम जिसके तहत सभी गरीब बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, हमने पहले काफी सारे वीडियोस बनाए आरटीई को लेकर, आरटीई करेक्शन कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, लिस्ट कैसे चेक होती है, इवन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, सारी चीजें हमने बताई हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आरटीई की प्लेलिस्ट को ओपन करिए और अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से ढूंढ सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके बच्चे का किसी स्कूल में नाम आ गया है और आप उस सेकंड राउंड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, यहां पर कुछ बच्चों का नाम फर्स्ट राउंड में नहीं आया था, वो भी जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वेबसाइट पर, तो उनका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या फिर यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है और उनका फॉर्म नहीं भर पा रहा। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपको डुप्लीकेट फॉर्म भरना है, दोबारा से सेकंड राउंड में फॉर्म भरना है अपने बच्चे का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये वीडियो पूरे ऑल इंडिया हर स्टेट के लिए है, लेकिन यहां पर हम यूपी की वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया हम बता रहे हैं हर स्टेट में लागू होता है। आप किसी भी स्टेट से हो, एमपी, महाराष्ट्र, किसी से भी हो, लेकिन ये जो मेथड है सभी स्टेट्स में लागू है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कई सारी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं और दोबारा फॉर्म नहीं भर पाते हैं। पहला, आपके बच्चे का नाम किसी ऐसे स्कूल में आया है जो आपको पसंद नहीं है, आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, इस केस में आप दूसरा फॉर्म भरना चाहेंगे सेकंड राउंड का। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे का कहीं भी नाम नहीं आया है तो आप दूसरा फॉर्म भरना चाहेंगे सेकंड राउंड का, तो वहां पर क्या है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन दिखाता है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाता है। या फिर किसी केस में ऐसा होता है कि आपने जो स्कूल मिला है आपको, वो स्कूल ज्यादा दूर है, आप उसको चेंज कराना चाहते हैं। काफी सारी सिचुएशंस होती हैं, आपकी क्या सिचुएशन है वो आप जान सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दूसरे राउंड में फॉर्म भरते समय अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को आगे पीछे कर देना है। अब आप कहेंगे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी, सपोज करिए आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2018, तो आप उसको कर दीजिए 1/2/2018, यानी एक महीना चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन को करिए, वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं दिखाएगा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट में 1/1/2018 है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे वहां पर, तो आपने क्या करना है, एक एफिडेविट बनता है वकील से, तो डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट बनवा लीजिए 1/2/2018 का, और वो लगाकर फॉर्म भर दीजिए। आपके बच्चे का अगर किसी स्कूल में नाम आ जाता है तो उसमें एडमिशन करा लीजिए। एक साल पढ़ाने के बाद आप जो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास पहले था, उस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल में लगाकर आप वहां पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की चेंज करा सकते हैं आसानी से। छोटा बच्चा है, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। स्कूल में जाकर आप कहिए कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहता हूं, स्कूल वाले बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे और आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देंगे, तो सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको परेशानी आ रही है, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।